जय प्रभु यीशु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसके फाटकों में हम प्रवेश करेंगे धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करेंगे और ये कहेंगे कि ये दिन यहोवा ने बनाया है ताकि आप और हम उसकी स्तुति और आराधना करें। आमेन, हालेलुया, आमेन। बीते 6 दिन परमेश्वर विश्वास योग रहा और बीते 9 महीने भी परमेश्वर विश्वास योग रहे। 9 महीने बीत गए इस साल के और हम 10वें महीने में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन परमेश्वर का विश्वास योग्यता सदा के लिए रहता है। हालेलुया, क्या आप तैयार है उसकी आराधना करने के लिए? हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए कि हम आपके भवन में आ सके। प्रभु यीशु, जबकि हम इस द्वार से प्रवेश किए हैं, प्रभु जी हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए, पवित्र आत्मा आपका चलन हमारे बीच में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति हमारे संग रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया, जबकि हम स्तुति और आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, होने पाए कि आप अपने सिंहासन को इधर लाए और विराजमान हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। ताली बजाते हुए अपने आवाज को उठा के आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। संकट से बचाता वो है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। उसका ही पड़ता वो
जय जयकार, जय जयकार करे। हमारा यहोवा है, सेनाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद, हालेलुया। ओ जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। ताली बजाए। यहोवा हमारा प्रभु है, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग को निकाला, जो वायदा को करता है वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभव यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, ओ जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है।
करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे वो यहोवा सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा हमारा उजागड़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर जिसके लिए सब कुछ संभव, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग, वो जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा वायदों को करता है पूरा, वो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हर एक बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया, संभव मार्गों से चलाने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, तेरी महिमा हो, अपने हाथों को उठाकर यीशु की स्तुति करें, हालेलुया, अपने आवाज को उठाए, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, वो योग्य है, वो योग्य है यीशु, वो योग्य है, हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है, हालेलुया, यीशु तू सर्वशक्तिमान सर्व प्रधान परमेश्वर आप ही है यीशु, धन्यवाद, ओ हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, सारे सृष्टि को रचने वाला प्रभु आप, हालेलुया, हमको भी तूने रचाया है, ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूं मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी यहाँ पे कर, हाले हाले अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है तो कोई भी बात असंभव नहीं है, अगर आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति है तो आप विश्वास कर सकते हैं कि यहोवा हमारे संग संग चलेगा, उस कठिन राह पर परमेश्वर हमारे संग चलेगा और अपने बाहों में उठाएगा, हमें चलाएगा, हालेलुया, धन्यवाद, करुणा से तेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है,
भाइयों, अगर आपने शरीर में आप बीमारी को महसूस करते हैं, एक भारीपन को महसूस करते हैं, हमारा यहोवा परमेश्वर पूरे योग्य है कि आपको उस बीमारी में से छुड़ा सके, आपको चंगाई दे सके। सिर्फ विश्वास करें, हालेलुया, क्योंकि वो योग्य है, वो कर सकता है और वो करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, है मेरा प्रभु। एक बार फिर से गाएंगे, सारे जहां, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, कोई भी अशुद्ध बात उसके सामने नहीं रुक सकता है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, स्तुति करे, धन्यवाद दे, हालेलुया, धन्यवाद करे, हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है यीशु। पवित्र आत्मा अपने कार्य को करे, हालेलुया। हर एक के ऊपर अपने आत्मा को उंडेल दे यीशु, यीशु के नाम से है, यीशु के नाम से है। सारे बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम से है, सारे बीमारी चंगे होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हर एक जीवन में एक बदलाव को आने पाए, हर एक जीवन में एक नया कार्य होने पाए, हर एक जीवन में। हालेलुया, आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा, आपकी आग उतरने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के उसकी स्तुति करे, महिमा करे। हालेलुया, होने पाए, हर एक के ऊपर आपका स्पर्श का अनुभव होने पाए। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, जीवन देने वाले मैं।
आराधना करता हूँ। उसने मृत्यु के ऊपर जय पा लिया है, मृत्यु के ऊपर जय पा लिया है, तो और कौन सी बात है जिसके ऊपर वो जय नहीं पा सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप जिस किसी का भी सामना करते हैं, कोई भी परिस्थिति का सामना करते हैं, हो सकता आप सोचते हो ये तो बहुत बड़ा है, इसको हम कैसे करें, इसको क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े, लेकिन हमारा परमेश्वर चरवाहा कहता है कि तुम मेरे भेड़ हो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, हम तुम्हें हर एक वो घाटी से निकालेंगे। हालेलुया। ओ यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति। हालेलुया। जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक पर जय पाने वाले मैं तेरी आराधना। गाइए हालेलुया होसाना, हर एक जन अपने हाथ को उठा के हालेलुया। कमी है हमें, कौन सी बात की घटी है, कोई घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, होसना।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर, आपके सभी वायदों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस व्यक्ति के लिए जो बीमार है, खास तौर से प्रार्थना करते हैं डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड से जो लोग जूझ रहे हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जैसे अभी हमने इस गीत में गाया, मृत्यु को जीतने वाले प्रभु तू मृत्यु पर जीता है, और प्रभु जब हम आप पर विश्वास करते हैं तो हम भी मृत्यु पर जय पाएंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा, वो सदा के लिए जिएगा। और प्रभु हम लोग एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमें बीमार है वो इस वक्त चंगा हो जाए यीशु के नाम से। हम मिलकर डेंगू को डांटते हैं छोड़ के निकल यीशु के नाम से, हम मिलकर मलेरिया को डांटते हैं छोड़ के निकल यीशु के नाम से, हम मिलकर टाइफाइड को डांटते हैं छोड़कर निकल यीशु के नाम से। हालेलुया, our lives are safe, हमारा जीवन यीशु में सुरक्षित है, हमें जीवन की हानि इस बीमारी से नहीं पहुंच सकती। Amen. यदि कोई कैंसर है तो वो छोड़ के निकले इसी वक्त यीशु के नाम से। हालेलुया, मृत्यु मृत्यु जयवंत नहीं हो सकती क्योंकि हमारा यीशु मृत्यु पर जीवित हुआ, जयवंत हुआ। मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, नरक पर जय पाने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ, राजाओं के राजा को होसना, प्रभुओं के प्रभु की होसना। ओ प्रभु तू जयवंत है प्रभु, तूने मृत्यु को हरा दिया प्रभु, और हम आप पर विश्वास करते हैं यीशु, इसलिए हम सदा जीवित रहेंगे। ये बीमारी हमारी हानि की नहीं पहुंचा सकती प्रभु, हम जयवंत, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम सदा जिएंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम लोग एक वचन से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 24वां वचन से मैं पढ़ूंगा। एक ही वचन की ओर आज हम अपने मनन को रखेंगे। इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। तो आज की सुबह मेरा जो वचन है या जो संदेश है उसको मैंने जो शीर्षक दिया या टाइटल दिया है, अ कॉल टू कमिटमेंट, एक बुलाहट समर्पण के प्रति। और
कई बार आप लोगों ने चेलापन के विषय में, डिसाइपलशिप के विषय में सुना है और प्रचारों को सुना होगा, और मैं चाहता हूं कि यहां पर खुद यीशु मसीह बात कर रहा है अपने चेलों से, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी भाषा में इस भाग को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 24वें भाग में यीशु मसीह का जो शब्द हैं वो लाल अक्षरों में अंग्रेजी बाइबल में लिखे गए हैं, और लाल अक्षर जहाँ जहाँ प्रयोग किया जाता है इसका मतलब यीशु मसीह खुद बातचीत कर रहा है या कह रहा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे या आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ क्रिश्चियनिटी टुडे इज दैट वी आर क्रिश्चियंस। सबसे बड़ा चुनौती एक मसीहत का या ईसाई होने का आज के दिन यह है कि हम ईसाई हैं। गॉड हैज कॉल्ड अस नॉट टू बी क्रिश्चियंस बट ही हैज कॉल्ड अस टू बी डिसाइपल्स। प्रभु ने हमें ईसाई होने के लिए नहीं बुलाया, उसने हमें चेला बनने के लिए बुलाया। नाउ अब एक चीज को मैं सुन रहा था, और जब मैं अध्ययन कर रहा था बाइबल को संदेश बनाने से पहले मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं अध्ययन कई सारे चीज़ों को पढ़ रहा था, एक चीज़ जो मेरे ध्यान को खींचा एक ऐसा वीडियो वो ये था कि जो इसराइल के घराने के लोग थे वो फिरौन के पास दासवत में थे, दास थे, और फिरौन इस प्रकार उन्हें देख कर कहता है कि ये हमसे ज़्यादा है, शक्तिशाली है और ये सामर्थ में भी बड़े हैं, ये फिरौन कह रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके दास हैं, गिनती में भी ज्यादा है, बल में भी ज्यादा है, सामर्थ में भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी दास है। पता है क्यों? बिकॉज वी डोंट नो हु इज आर गॉड। क्योंकि हम नहीं जानते, जिस प्रकार इज़राइल नहीं समझ पा रहा था कि प्रभु कौन है, इतने अद्भुत कामों को देखने के बाद भी हम भी कई बार नहीं समझ पाते प्रभु हमारे जीवनों में कौन है। हु इज दिस गॉड, ये सच्चा परमेश्वर कौन है? और जैसे मैंने बोला, जो सबसे बड़ी चुनौती आज के आधुनिक समय में ईसाई समाज के लिए है वो ये है कि हम सिर्फ ईसाई बनकर रह गए, हम चेले बने ही नहीं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है 21st century की, 21वीं सदी की, कि हमारे गाड़ियों के ऊपर क्रॉस है, हमारे गले पर भी हो सकता है क्रॉस है, या हो सकता है आपने कहीं टैटू भी क्रॉस का बनवाया होगा, लेकिन वो जो क्रूसीफॉर्म लाइफ है, वो क्रूसित जीवन कहीं नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो एक लेखक इस प्रकार लिखते हैं, रिचर्ड फॉस्टर, जिनको हम लोग थियोलॉजिकल वर्ल्ड में हम लोग उनको आत्मिक गुरु के रूप में जानते हैं, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के विषय में वो लिखते हैं, आत्मिक जीवन के विषय में इस प्रकार लिखते हैं, द बिगेस्ट कर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी टुडे इज सुपरफिशियलिटी। सबसे बड़ा श्राप जो ईसाइयों के लिए, मसीहों के लिए आज के दिन है वो दिखावा है। हम दिखावटी मसीह हैं, हमारे जीवनों में क्या सच में मसीह है या नहीं है। सो इसीलिए आज की सुबह का ये जो वचन है इसको मैं शीर्षक रखना चाहता हूं, एक बुलाहट समर्पण के प्रति, अ कॉल टू कमिटमेंट। क्योंकि इसके बाद पास्टर सैमी हमारा अगुवाई करेंगे इस मेज में शामिल होने के लिए, और ये मेज उन सब के लिए खुली है, और यहां से बताया भी जाएगा जो पानी का बपतिस्मा लिए हुए प्रभु यीशु मसीह में जी रहे। लेकिन एक बात जो बार बार यहां से बताई जाती वो है निरंतर मसीह के संग, अ कॉन्स्टेंट लाइफ विद जीसस। निरंतर मसीह के संग जिनका जीवन हो वो उसमें भाग करे। तो मेरे प्रियो, जब हम इस संदेश में आगे बढ़ते हैं, मेरा प्रार्थना और विनती यह है कि आप अपने जीवन को, जैसे मैं जांच रहा हूं, मैं हर इस वचन को जब बना रहा था तो मैं अपने आप से भी सवाल पूछ रहा था, क्या ऐसी कमी मेरे अंदर तो नहीं है, अब मेरे पत्नी के जीवन में तो नहीं है, क्या हम अपने बेटे को सही तरीके से तैयार कर रहे हैं उसका चेला बनने के लिए, क्या हमारे जीवनों से उसको मसीह दिखता है कि नहीं। अपने आप से हम लोग ये सवाल, मैं अपने आप से कर रहा था जब इस संदेश के विषय में मैं सोच रहा था। यहां पर एक वचन के अंदर चार बातों को यीशु मसीह स्पष्ट रीति से बताता है। अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार लिखा है, Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे। यूनानी भाषा में कई बार या हिंदी भाषा में लिखा है जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, यहां disciple शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ। ये जो हिंदी बाइबलों का अनुवाद आपके हाथों में, इसमें कई शब्द गड़बड़ हैं, और इसमें गलती उनकी नहीं है जिन्होंने इसका अनुवाद किया है, उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस थी उन्होंने अपना बेस्ट करने की कोशिश किया। लेकिन मैं आपका इसका सही अनुवाद जो यूनानी में है वो इस प्रकार है, यदि कोई
यीशु मसीह कह रहा है यदि कोई मेरा मेथेटेस बनना चाहता है. नाउ देर आर टू वर्ड्स इन ग्रीक, एक है मेथेटेस और एक है ऑक्लोस. मेथेटेस का मतलब है चेला और ऑक्लोस का मतलब है भीड़, क्राउड. और बार बार यीशु मसीह ना जो यहुन्ना है मत्ती है जानबूझकर शब्दों को खेल रहे हैं. जब आप बाइबल को यूनानी में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा शब्दों का खेल है जानबूझ करके. तो जब वो 20,000-25,000 की जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी तो जो शब्द वहां पर वो प्रयोग करते हैं वो कहते हैं ऑक्लोस, भीड़. लेकिन जब वो अपने बारहों के साथ अकेले गया तो वो जो शब्द यूज कर रहे हैं वो है मथटेस. समझ रहे हैं, चेला. तो बाइबलों में शब्दों का भी खेल है जहां उसको लिखते, क्योंकि यूनानी भाषा में एक ही शब्द अलग अलग संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है. ठीक है, तो यहां पर यीशु मसीह कह रहा है अगर कोई मेरा चेला बनना चाहे, पहली चीज तो मुझे और आपको समझनी है द कॉल टू डिसाइपलशिप इज अ चॉइस. चेला बनना एक चुनाव है, कोई जबरन चेला नहीं बन सकता यीशु मसीह का. आपने किसी को जबरदस्ती चेला, जैसे जो हमारे क्रिटिक्स हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं वो कहते हैं ये साहब धर्मांतरण कराते हैं, जबरन लोगों का जादू बताकर या पैसा. अभी आजकल का न्यूज में देख रहा हूं तो पैसा दे करके ये जबरन कराते हैं. तो आई वॉन्ट टू क्लियर दैट नोशन, उस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है ये ऑनलाइन माध्यम से भी कुछ लोग देखेंगे. मेयर से किसी ने पूछा कि मैं ठाकुर पृष्ठभूमि से, हिंदू पृष्ठभूमि से विश्वास में आया, मुझसे किसी ने पूछा कितना पैसा मिला, तो मैंने बोला कितना मिलना चाहिए, तुम होते तो कितना देते, तो चुप हो गया. मैंने बोला वहां मिलता कुछ नहीं है, देना सब कुछ पड़ता है. उसने बोला क्या देना पड़ता है, मैंने कहा जो आय है उसका दशमांश देना पड़ता है, बाइबल लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, उसके ऊपर से धन्यवाद की भेंटें देनी पड़ती हैं, और सबसे बढ़कर और कुछ ना हो तो जीवन तो वेदी पर देना ही पड़ता है. मेरे प्रियो, पैसा आपका यीशु मसीह को नहीं चाहिए. समझ रहे हैं मेरी बात, पैसा उसको नहीं चाहिए. कई बार हम जब पतरस और उन लोगों के विषय में, मछुआरों के विषय में बोलते ना, यीशु मसीह ने मछुआरों को सेवा, आपको समझना है कि फिशिंग इन दोज डेज वर अ वेरी वुड ब्रिंग यू हैंडसम इनकम. जो मैं ये नहीं कहता बहुत अमीर थे, लेकिन मैं ये कहता हूं अच्छा आय उनके पास था, क्योंकि लिखा है वो अपने नाव और जाल छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यानी अपनी आय का स्रोत छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए. अब मुझे बताइए कौन जबरदस्ती कर रहा है यहां पर, यीशु मसीह कर रहा है कि चेले कहते हैं चलो छोड़ो, जीवन का मार्ग तो तू ही है प्रभु, तुझे छोड़कर हम जाए कहां. मेरे प्रियो, द कॉल टू डिसाइपलशिप इज ओपन टू ऑल. जो ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं यीशु मसीह किसी का धर्मांतरण नहीं करता, क्योंकि उसने किसी धर्म को बनाया ही नहीं. ईसाई कोई धर्म नहीं है, बट क्रिश्चियनिटी इज अ लाइफ दैट वी हैव टू लिव ऑन डेली बेसिस. लेकिन मसीही एक जीवन है जो 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन साल के हमें यीशु मसीह के संग जीवित रिश्ते में जीना है. इट इज नॉट अ रिलीजन. सो इफ समबडी आस्क मी आर यू अ क्रिश्चियन, आई से नो, आई एम अ डिसाइपल ऑफ जीसस. कोई मुझसे पूछता है, मेरे घर में एक अधिकारी आए किसी काम के लिए, चेकअप के लिए, किसी चीज का उन्होंने वेरीफाई करना, उन्होंने बोला आपके वहां में एक क्रूस देख रहा हूं, क्या आप ईसाई हैं. मैंने कहा साहब मैं ईसाई नहीं हूं, लेकिन मैं उसका चेला हूं, मैं उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा हूं, आज भी उसका चेला हूं. द बिगेस्ट ट्रेजेडी, जैसा मैंने बताया कि हम ईसाई हैं लेकिन चेले नहीं हैं. नाम के आगे, जैसे कई बार मेरे प्रचार में आप सुनते होंगे मसीह है, गाड़ियों में क्रॉस है, गले में क्रॉस है, लेकिन दिल में क्रूसीफॉर्म लाइव्स नहीं है, वो जीवन क्रूसित नहीं है. मेरे प्रियो, पहला चीज जो यीशु मसीह हमें यहां इस वचन में कह रहा है, इफ एनीवन हूसोएवर डिजायर्स, जिसकी इच्छा हो वो मेरे पीछे हो ले. ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है कि कोई पैसे से धर्म, पैसे से आपको बदल दे. मैं चुनौती देता हूं इस वेदी से, अगर पैसे से आपको कोई चंगा करके दिखा दे तो SGPGI हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और लाखों रुपए वहां आप दे सकते हैं, लेकिन कैंसर कभी ठीक नहीं होगा. राइट, जिस बेटी का आपने वीडियो देखा ना, जिसको बच्चे को आपने देखा ना, जिसको अभी 5 तारीख को बेटा हुआ है, उस बेटी का जो रिपोर्ट्स थे वो भी आपको बता देता हूँ थोड़ी सी पृष्ठभूमि. उसको PCOD था, उसकी ट्यूब्स ब्लॉक थी,
उसको थायराइड था और उसका जेनेटिकली प्रूवन है कि फैमिली में कि शी कैन नॉट कंसीव, वो कंसीव नहीं कर सकती थी। और जब ये वो कंसीव किया ना तो वो आंखों में आंसू थे, वो कह रहे थे हम कैसे पालेंगे। मैंने उसको पलट कर याद दिलाया उन रिपोर्ट्स को जो डॉक्टर्स कह रहे थे तुम कभी कंसीव नहीं कर पाओगी, तब वो समझी कि कैसे प्रभु ने उसे चंगा किया। तो कौन पैसे से कर सकता है, डॉक्टर्स ने तो सारी रिपोर्टें देख ली। तो ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है मेरे प्रियो, आप में से कई जो यहां पर बैठे हैं ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। यीशु मसीह कहता है जैसे लिखा है मनुष्य बनकर उस देहधारी हुआ हमारे बीच में, क्यों? ताकि हम पिता की महिमा को देखने पाए। अगर वो ना आता तो हम पिता को जान ही ना पाते कि पिता का हृदय है कैसा, है ना। यीशु मसीह इसलिए मनुष्य बनकर नीचे आया कि हमारे पापों के लिए बलिदान हो जाए। ये जबरन का सौदा नहीं, कहता है whosoever believes in him, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए। और इसीलिए मसीह की कलीसिया क्या है, जैसे गीत हम गाते हैं पंडित मूर्ख और गवार मुझे प्यारा लगता है, उसके भवन में सबका स्वागत है, क्योंकि ये जबरदस्ती का स्वागत, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। तो मुझे और आपको समझना है कि ये जो पुकार है चेला बनने के लिए या यीशु मसीह का अनुयायी बनने के लिए, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। और अगर आज की सुबह आप चुनते हैं कि प्रभु मैं आपका चेला बनूंगी या मैं आपका चेली बनूंगी, तो तीन बातों को आपको और मुझे करना ही है। तीन बातों को आगे बढ़कर मैं बात करता हूं। पहली चीज मैंने बताया कि ये जबरन का सौदा नहीं, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे, यानी सबका स्वागत है। आज की सुबह जो हमें ऑनलाइन देखते हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। ये मंदिर, ये भवन सबके लिए खुला है, कोई भी आ जाए और प्रभु की आराधना यहां कर सकता है, हम किसी को नहीं रोकेंगे, कोई भी आ सकता है, राइट। क्योंकि मसीह कहता है जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो आए मेरे पीछे और देखे कि मैं क्या कर कर दिखाता हूं। हालेलुया। और यही आप में से कईयों की गवाही है, जो कोई नहीं कर पाया वो मसीह ने मेरे जीवन में कर दिया। हालेलुया। जो आदत मैं 14 साल से नहीं छोड़ पाया वो एक मसीह ने एक झटके में एक प्रार्थना से मुझे बदल दिया। यही तो गवाही है। कौन डॉक्टर कर सकता है, कौन सा पैसा कर सकता है। मेरे प्रियो, द कॉल टू डिसाइपलशिप इज नॉट फोर्स बट इट्स अ चॉइस। ये चुनाव है यीशु मसीह का चेला बनने के लिए। तीन चीजें, और आज की सुबह यदि आप और मैं इस चुनाव को करते हैं, आप कहते हैं कि मैं और आप उसका चेला हैं, दैट वी वांट टू बी हिज डिसाइपल्स, तो क्या करना है। नंबर वन, पहली चीज वो कहता है वो अपने आप का इनकार कर दे। उर्दू में जो शब्द है मुझे बड़ा पसंद है, उर्दू बाइबल भी हमारा जो ग्रीक है उसके बहुत नजदीक है, उर्दू मलयालम तमिल ये बहुत नजदीक है हमारे ओरिजिनल के। मेरे पास है नहीं वरना मैं उस शब्द को देखना चाहता कि वहां पर क्या लिखा है, लेकिन उर्दू बाइबल में लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है डिनाय। तो पहली चीज अगर आप और मैं यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं, इफ वी वांट टू जर्नी विद हिम एज अ डिसाइपल, हम उसके संग चेला या चेली बनना चाहते हैं, तो पहला चीज क्या करना है, डिनाय योरसेल्फ, अपने आप का इनकार कर दे, अपने आप को त्याग दे। अब मैं यूनानी में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे को यूनानी पढ़ाने यहां कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो शब्द मतलब जिसका प्रयोग हुआ है इनकार या त्यागना, उसका मतलब है अपने आप को डिसोन करना। डिसोन का मतलब समझते हैं, यानी जब आप किसी संपत्ति को लीगली आपने हायर किया हो, आपको विरासत में मिली हो, लेकिन आप स्टैम्प पेपर पर लिख करके किसी को गिफ्ट कर देते, कहते मेरे को नहीं चाहिए, मैं डिसोन कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली उस शब्द का मतलब है उसका इनकार करना या उसका त्याग देना, उसको त्याग कर एक ऐसे जीवन को जीना कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मसीह का है। सो अपने आप को त्यागने का मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को त्याग दें, अपने कई बार सपनों को भी त्यागना पड़ेगा, है ना। कई बार मैं और मेरे और आपके पास अपने लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखता क्योंकि वो कहता है मेरी योजना तेरे जीवन में हानि या नाश की नहीं लेकिन भलाई की है। और मेरी और आपकी योजना अपने जीवन में कई बार नाश की होती है, विनाश की होती है, लेकिन फिर भी वो उस पिता के समान है जो दरवाजे पर खड़ा हर सुबह अपने हाथ को फैलाए इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा वापस लौटेगा और मुझे माफ कर वापस अनुग्रह और अभिषेक के कपड़े पहनाकर अपने राज्य में ले आऊंगा। वो एक ऐसा पिता है मेरे प्रियो, और वो कहता है मेरी योजना तेरे लिए हानि या नाश की नहीं। अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, अपनी आदतों को त्यागना पड़ेगा, अपने सपनों को त्यागना पड़ेगा, अपनी योजनाओं को त्यागना पड़ेगा। और कई बार
इन सारी चीजों को त्यागने के लिए अपने आप को त्यागना पड़ेगा। पौलुस लिखता है, मुझे बड़ा पसंद है उसका वो वचन, गलातियों की पत्रे में लिखता है, क्योंकि मैं तो मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, लेकिन मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। जब आप ये पढ़ते हैं ना तो आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा उसने बलिदान क्या किया है। थोड़ा सा हिस्ट्री समझने के लिए आप पहला कुरिन्थियों में जाएंगे तो समझ में आएगा। वो कहता है मैं फरीसियों का फरीसी, यानी डबल PhD तोरा में, व्यवस्था में। उन दिनों में जो किताब थी जिसको वो लोग पढ़ते थे वो थी व्यवस्था, पहली 5 किताब, भजन और जो भविष्यवाणियां थी, ये उनकी वचन था उन दिनों में। और पौलुस उसमें डबल PhD किया हुआ, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई किया हुआ, गमालियल के चरणों पर, जो कि उन दिनों में सबसे अच्छा शास्त्र का शिक्षक था, उसके चरणों पर बैठकर उसने सीखा। और जो रूलिंग कैबिनेट थी, यानी आज के दिन में जैसे अगर हमारा BJP गवर्नमेंट रूल कर रहा है, उन दिनों में जूश काउंसिल, यहूदियों का काउंसिल होता था, कैबिनेट होता था, उस रूलिंग कैबिनेट का मेंबर, अच्छा व्यवस्था का शिक्षक, पैसे वाला व्यक्ति, अच्छा खासा पैसा का व्यक्ति, संपत्ति रखता हुआ, पैसा रखता हुआ, प्रसिद्धि रखता हुआ, वो कहता है मसीह में मैंने सब कुछ पा लिया, और पीछे पलट कर जो सब कुछ देखता हूं ये सारी उपाधियां ये कूड़ा है, इट इज अ गार्बेज फॉर मी, राइट? ऑल आर टाइटल्स, ऑल आर एजुकेशन, इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट? यस, व्हाई नॉट? क्या शिक्षा जरूरी है, अच्छी है? व्हाई नॉट? मैं तो कहता हमारे सारे जवान बच्चों को कि वो सब PhD कर लें, लेकिन वेयर नॉलेज टेक्स गॉड्स प्लेस इट बिकम्स डेंजरस। जहां पर ज्ञान परमेश्वर का स्थान ले ले वहां परमेश्वर का स्थान समाप्त हो जाता है। जहां पैसा परमेश्वर का स्थान ले ले, या कई बार दोस्त संगति परमेश्वर का यार ले ले, और सबसे बड़ी चुनौती जो आजकल चल रही है, ये सिर्फ जवानों के साथ नहीं है मेरे प्रियो, राइट? आप सब भी समझ रहे होंगे कि हम कहते बच्चों के अंदर है ये आदत, ये सब आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। आपका कितना स्क्रीन टाइम है? कुछ पेरेंट्स मेरे पास आए, पास्टर हम बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत हो गया, इनको कैसे हटाएं? मैंने कहा वो सीखे कहां से हैं, घर में एग्जाम्पल कैसा देखा उन्होंने? कुछ बच्चों को मैंने देखा वो बिना मोबाइल फोन के खाना नहीं खा सकते हैं। किसने दिया वो मोबाइल उनको खाना खिलाने के लिए? आपके मम्मी पापा ने आपको मोबाइल दिया था, जो पोस्ट जेन एक्स है, जेन वाई है, जो आप लोग हैं। पास सहमी को मिला था मोबाइल, पूछिए। मुझे मिला था? नहीं मिला था। मेरे खाते तो ठीक है, वरना, राइट? और हम सोचते हैं कि हम बच्चों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यू आर फीडिंग देम पॉइजन, आप उन्हें जहर खिला रहे हैं। 4 घंटा स्क्रीन टाइम 10 ग्राम कोकीन के बराबर है, अगर आप ये रिसर्च नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा वाइफ जवानों के संग सेवा में इन्वॉल्व है, तो हम लोग अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं हर दिन, टू बी अपडेटेड कि जेन अल्फा में, जेन जी में और जेन बीटा में अगले साल क्या होगा, समझ रहे हैं आप? 5 घंटे का स्क्रीन टाइम अगर बच्चे का है, उस बच्चे को कोई नशा करने की जरूरत नहीं है, आपने उसे 10 ग्राम कोकीन दे दिया है। और अगर आप किसी नशेड़ी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि कोकीन से अच्छा नशा सबसे गहरा नशों में से एक है। मेरे प्रियो, ये सब त्यागना पड़ेगा। अगर घरों में ये माहौल है तो बदलना पड़ेगा, और कुछ समय कठिनाई होगी, शुरुआत में कठिनाई होगी, क्योंकि बचपन से अगर वो सही कर लेता तो नहीं होता, लेकिन प्रभु अनुग्रह देगा। हालेलुया। मेरे बेटे को हमने कभी मोबाइल नहीं दिया, कभी स्क्रीन नहीं दी, और मेरी वाइफ ने यही डिसाइड किया, हमने ये डिसाइड किया, खाना खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो विल नॉट गिव हिम स्क्रीन। सो आप उसको मोबाइल से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस फिजिकल गेम से खेलने से, कहीं भी जाएगा, आप चर्च में भी देखते हैं ना, वो दौड़ना, उसको खेलना फिजिकली पसंद, उसको स्क्रीन से कोई मतलब नहीं है। और मैं चाहता हूं वी रेज आवर किड्स लाइक दैट, रेज देम विद प्रेयर एवरी मॉर्निंग, कि वो देखे कि मेरे माँ बाप प्रार्थना करते हैं, वो ये देखने पाए, ये नहीं कि सुबह उठते ही मेरा हम मोबाइल देखते हैं। लाइक मैं बच्चों से कहता हूं, वी फेसबुक बट वी डोंट फेस गॉड, राइट? हम लोग फेसबुक करते हैं लेकिन फेसिंग गॉड नहीं होता है हमारे जीवन में, गॉड को आमना सामना करने के लिए समय नहीं है मेरे प्रियो। तो कहां है वो डिनायल, कहां है वो इनकार का जीवन, कहां है वो खुद को तिरस्कार करना, राइट? अगर किसी ने मुझको 2 बातें मेरे को गलत बोल दी तो मेरे अंदर का पुराना मैं जाग जाता है अचानक से, और मरे हुए व्यक्तियों को मैंने नहीं सुना कि वो जागते हो। क्योंकि जब पौलुस लिखता है कि मैं मसीह के संग मर गया हूं, क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं,
तो क्या वो कभी जीवित हुआ? आपने देखा उसे किसी पत्री में? इतनी ताड़नाओं से होकर वो लिखता है, मसीह के लिए मैं नंग अवस्था में भी था, बिना कपड़ों के नंगा था मैं, कई बार मेरे पास खाने के लिए खाना था और कई बार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मसीह को पलटकर महिमा दी। और उस जेल में भी फिलिपियों की पत्री को लिखते वो कहता है, आनंदित रहो और प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। बेड़ियां हाथ में है, दिन रात मच्छर काटते होंगे और अंधियारी कोठरी में पड़ा है जहां कुछ दिखता नहीं, आंख की रोशनी जा चुकी है, और कहता है प्रभु में आनंदित हो जाओ। मैं कहता हूं प्रभु ऐसा अनुग्रह मुझे भी देना कि जब कुछ ना हो पलट कर मैं यही कह सकूं, प्रभु आनंदित रहो, प्रभु मुझे आनंद से भर दे। जब सब कुछ है तो उसको याद करना बड़ा आसान है, लेकिन जब कुछ नहीं है फिर भी पलट कर उसका धन्यवाद देने वाला ही एक चेला है। हालेलुया। जिस प्रकार हवाकुक लिखता है, चाहे अंजीर के वृक्ष पर फल हो या ना हो, चाहे खेत खलियानों में फसल हो या ना हो, और दूसरे शब्दों में कह रहा है प्रभु चाहे बेबीलोन आकर इसराइलियों को मारे, उनको दास बनाकर ले जाए, लेकिन फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तू यहोवा है। हालेलुया। प्रभु तू मुझे चंगा करे या ना करे, मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे या ना दे, मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रभु मेरे पास खाने के लिए खाना हो या ना हो, मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रभु पहनने के लिए कपड़े हो या ना हो, मैं फिर भी तेरा धन्यवाद करूंगा। दैट इज द लाइफ ऑफ अ डिसाइपल। ये एक चेले का जीवन है। कहां है हमारा ये इनकार का जीवन, जहां पर हमारा मैं मरता जाए और मसीह जीवित होता चला जाए? एक गीत है ना, मेरा मैं ना बनूं मैं जवाने सा, मेरा मैं मरता जाए। वो मैं ही सारी समस्याओं की जड़ है आज के दिन। घरों मसीह घरों घरों में परिवारों में लड़ाई क्यों है पता है आपको? मैं, वो मैं जब तक मरेगा नहीं तब तक मसीह जीवित नहीं हो सकता। और आपको पता है इस सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है परिवार में? हस्बैंड्स की। पहले सबसे पहले हस्बैंड्स का मैं मरना है, क्योंकि मेल ईगो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है कई बार। ये हस्बैंड्स क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक पति हूं, राइट? और वो भी ठाकुर पृष्ठभूमि। मेरे दो भाइयों से आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे होते हैं, अहम ईगो से भरे हुए, ठीक है? मेरे मित्रों के संग आप बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी गाड़ियों में क्या पड़ा रहता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सर्विस ऑनलाइन चल रही है। गाड़ियों में क्या पड़ा रहता है, बंदूक के गोलियां, शराब की बोतलें, और तब वो मिलने के लिए वो बुलाएंगे कि महेंद्र चलो मिल लेते। तो मैं उनके पास मिलने के लिए भी अगर कभी बैठता हूँ तो मेरा काम बस इतना है कि मैं उनके संग मौका ढूंढता हूँ कि कहाँ से मसीह को दिखा सकूँ, और वहाँ से निकल कर फिर मैं निकल लेता हूँ जैसे ही उनकी संगति शुरू हो जाती। समझ रहे हैं आप? तो मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी पतियों की क्यों है? क्योंकि मसीह लिखता है जैसा मसीह ने कलीसिया से प्यार किया और मसीह को कलीसिया का स्वामी ठहरा दिया, वैसे परिवारों में राजा और याजक का पद एक पति को दिया है। तो याजक का काम था कि वो प्रजा के लिए मध्यस्थता करे, उन्हें व्यवस्था सिखाए। तो एक घर में मां से ज्यादा एक पिता की जिम्मेदारी है कि प्रार्थना, व्यवस्था, वचन को सिखाने की, मुहैया कराने की, सुरक्षा करने की। तो सबसे पहले उस पति का ईगो मरना है, मेरा ईगो मरना है। और जब वो ईगो मर जाएगा ना, तब ऐसे प्रेम के प्रति कोई भी पत्नी समर्पण कर देगी, चाहे कैसी भी पत्नी क्यों ना हो। मेरा यह मानना है मसीह जैसा प्रेम, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, हे पति पतियों अपनी पत्नी से भी प्रेम करो। आप सोचते हो पत्नी पर हाथ उठाना आपके ईगो के लिए अच्छी बात है? कम टू मी, सिट विद मी, आई विल शो यू। यंग गर्ल्स, जवान बेटियां जिनका जीवन खाली इस वजह से बर्बाद हो गया, अगर आपको सच में लगता है कि वो बड़ा मैनली एक्ट है, इट इज़ अ वेरी मैनली एक्ट, आई वुड गिव यू बेटर अपॉर्चुनिटीज, कम विद मी और कम गो विद सनी। कोर्ट में कई जगह हाथापाई होती है, देर यू विल गेट, शेर को शवा शेर एक कहावत है ना, देर यू विल सी द रियल पीपल इन द वर्ल्ड। हमको घर में लगता है कि, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल ऑफ गॉड, अ डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट, एक प्रभु यीशु मसीह का चेला कभी ये नहीं करेगा। गलती नहीं भी होगी तब भी उसे माफी मांगने में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस यह है, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया वैसे मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा। क्यों? मसीह ने कैसा प्यार किया? आप और मैं इस लायक थे इस प्यार के,
हमने तो अपने पापों से कभी इनकार नहीं किया, हम जैसे कहते ना हिंदी में नालायक लोग थे, उसके अनुग्रह को कभी नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्यार किया, ऐसा प्यार किया, तो क्या हम और आप पलट कर नहीं कर सकते? राइट, इट हैज टू डाई, पीपल ऑफ गॉड, हमारा मैं मरना है। तो पहली चीज वो कहता है, अपने आप का इनकार करो, अपने मैं का इनकार करो। एनी वन हु वॉन्ट्स टू बी माई डिसाइपल, दे शुड डिनाई देमसेल्फ, अपने आप का इनकार करो। जो शब्द डिनाई, इनकार यूज हुआ, उसका मतलब है कि जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, हम एक नए परिस्थिति में, एक नए जीवन में कदम रखते हैं। जिसका मतलब है, जब मैं और आप पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं, तो हम बार बार क्या बताते हैं कि मेरा पुराना जीवन, मेरी पुरानी आदतें, मेरा पुराना व्यक्तित्व इस पानी के अंदर, जैसे मसीह मर कर कब्र के अंदर गया, हम मरते हैं अपने आप के लिए, और जब बाहर निकलते हैं, मैं मसीह जैसे पुनरुत्थान हुआ, जीवन नया हुआ, वैसे मैं भी एक नई सृष्टि हूँ मसीह में। मेरे प्रियो, अपना इनकार करना जरूरी है अगर हम उसके चेला बनना चाहते हैं। दूसरी चीज वो कहता है, वो अपना क्रूस उठाए, अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। यीशु मसीह के समय में ना, जब ये लिखा गया ये वचन, क्रूस उठाने का मतलब लोगों को अच्छे से पता था। जैसा मैंने बताया आपको कि जो रोमियो साम्राज्य था, मेरे पिछले संदेश में शायद मैंने बताया था कि जो क्रूसिफिक्शन की सजा थी, क्रूस पर चढ़ाने की जो सजा थी, ये रोमियो की अपनी सजा नहीं थी। इन्होंने इस सजा को कॉपी किया था, पता है कहां से, कहां से सीखा था? बेबीलोनियन से, बाबुल के लोगों से। और 500 साल का अनुभव था उनको क्रूस पर चढ़ाने का। तो जो लोग यह कहते हैं मसीह क्रूस पर मरा नहीं था, जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो कहते हैं डिफेंड करने के लिए कि मसीह नहीं क्रूस पर मरा था, उनको यह समझना पड़ेगा कि 500 साल की प्रैक्टिस है उनके पास क्रूसिफिक्शन की, उनको पता है कौन मरा है कौन नहीं मरा है, इसीलिए वो भाला मार कर बगल से देखते हैं कि सिर्फ पानी बाहर निकलता है, समझ रहे हैं आप। तो उन दिनों में जब ये लिखा गया ये वचन, तो लोगों को समझ में आ रहा था कि यदि कोई मसीह का पीछे चलना चाहे तो अपना इनकार कर अपना क्रूस उठाए। दूसरा स्टेप है, दूसरा प्रक्रिया इसमें है, अपना इनकार करने के बाद आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस उठाने का मतलब क्या था उन दिनों में? क्रूस था शर्म का स्थान, पीड़ा का स्थान, दर्द का स्थान, सबसे घटिया प्रकार के क्रिमिनल्स को, दुष्कर्मियों को उस क्रूस पर सजा दी जाती थी। कोई महिमा का स्थान नहीं था, वो सबसे भयानक सजाओं में से एक सजा थी रोमियो साम्राज्य के अंदर, वो था क्रूसिफिक्शन, क्रूस पर चढ़ाया जाना। वहां पर डाकू, डकैत और चोरी करने वाले, ऐसे लोग जो क्रूर थे, हत्याएं करी थी, ऐसे लोगों को चढ़ाया जाता था। तो लोगों को समझ में आ रहा था कि ये लिख क्यों रहा है, इसका मतलब क्या है, अपना क्रूस उठा करके चलने का मतलब क्या है। क्रूस उठा करके चलने का मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आप कह रहे देखो मैं मसीह का हूं ना, तो मैं क्रूस उठा करके चल रहा हूं। आप बीमार पड़ गए तो आप कह रहे देखो मैं क्रूस उठा करके चल रहा हूं मसीह के लिए, मैं बीमार, ये सब क्रूस उठाने का मतलब नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब है कि आप अपने आप का तिरस्कार करें, आपका सेल्फ, आपका मैं मरना है। क्रूस उठाने का मतलब है कि आप अपने आप को मसीह यीशु के संग उस क्रूस पर लटकाया हुआ देखते हैं। जैसे आज की मेज में आप जब सहभागिता लेंगे, हम किस चीज को याद करते हैं कि मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया, अब मैं नहीं लेकिन मसीह में मैं एक नई सृष्टि, एक नया जीवन हूं। क्रूस पर चढ़ाए जाने का मतलब है कि आप पाप के लिए मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं। क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है कि अब पाप का आपके जीवन के ऊपर कोई राज्य नहीं, ना ही आप पाप को अपने हृदय में कोई अनुमति देंगे आने की, क्योंकि आपके हृदय का राजा, आपके जीवन का राजा, आपके परिवार का राजा और स्वामी कौन बन चुका है? यीशु मसीह। और मेरे प्रियो, कई बार हम ये भूल जाते हैं, जब स्वामी वो है तो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? राइट, इफ ही इज द मास्टर ही विल टेक केयर। जैसे माँ संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मैं तो कहता हूँ माँ से बढ़कर संभालेगा, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है तेरे माँ और बाप तुझे त्याग सकते हैं लेकिन वो प्रभु तुझे कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया, कितना अद्भुत वादा है ये प्रभु का कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सब छोड़ सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, क्रूस पर चढ़ाए जाने का, अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि हम अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दे, ताकि हमारे शरीर का हर एक काम उसकी धार्मिकता और उसकी महिमा को प्रकट करने पाए। क्रूसित जीवनों को जीने के लिए बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे
पीछे है बोले। तीसरा चीज वो कहता है, जब आप अपना इनकार कर देंगे, अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार है, यानी हर दर्द हर पीड़ा से होकर जाने के लिए तैयार है मेरे लिए, यीशु मसीह कहता तरह तरह के दर्द आएंगे, दुख आएंगे, गम आएंगे। अगर कोई ऐसा कहता है कि मसीह में मसीह जीवन तो गुलाबों का बिस्तर है, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी, वो आपको झूठा सुसमाचार दे रहा है मेरे प्रियो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, बाइबल में तो लिखा है और परिस्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, हो सकता है जब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया था तब तक चीजें ठीक थी, बपतिस्मा लेने के बाद और गड़बड़ हो रही है, राइट। मसीह जीवन में चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और यदि आपके जीवनों में वो मुश्किलें नहीं आ रही हैं, कटाव छटाव नहीं हो रहा है, तो चेक योर लाइफ, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिनको वो अपना बेटा और बेटी कहकर ग्रहण करता है उन्हें ताड़ना भी देता है, उन्हें कोड़े भी लगाता है, और जिनको कोड़े नहीं लगा रहा है, जो शब्द यूज हुआ है यूनानी में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शब्द है, कठोर शब्द है, वो लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में दे आर इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो यूनानी भाषा में जिसका मतलब है कि वो गलत रिश्ते की पैदाइश है, जिनको प्रभु ताड़ना नहीं दे रहा है, जिनको काट छाट नहीं रहा है, जिनको अनुशासित नहीं कर रहा, उनके जीवन में कुछ अगर ताड़ना नहीं आ रही प्रभु की ओर से, तो वो किसकी संतान है? वो प्रभु की संतान नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब आपके पास अनुशासन आए परमेश्वर से, कन्विक्शन आए, पवित्र आत्मा आपको कायल करे किसी गलत काम के लिए, कभी भी क्षमा मांगने से पछताना, पीछे नहीं उड़ना, तुरंत प्रभु से कहना हाँ प्रभु ये मेरी गलती थी, बहानों में नहीं लगना है। कलीसिया के अंदर सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये है, जब पासवान किसी को करेक्ट करने की, अनुशासित करने की कोशिश करते, हमारे पास पहले से एक सेल्फ डिफेंस वॉल आ जाती है, हम क्रिएट कर ले, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इसलिए करना पड़ा। मेरे प्रियो, बाइबल में सीधा सीधा लिखा है इसके लिए आगे इसलिए और इसलिए नहीं चलेगा ऊपर स्वर्ग में, और इसीलिए मत्ती में लिखा है उस दिन वो मुझसे कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम में प्रचार किया और हजारों आत्माओं को बचाया, प्रभु हमने भविष्यवाणियां करी वो पूरी हो गई, प्रभु मैंने संडे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, प्रभु चिन्ह और चमत्कार किए, प्रभु मैंने मुर्दों को तेरे नाम में जिंदा किया, और प्रभु कहेगा दूर हट मैं तुझको नहीं जानता। इसका मतलब इसमें भविष्यवक्ता भी है, सुसमाचार प्रचारक भी है, पास्टर्स भी हैं, इवेंजलिस्ट भी हैं, बिशप्स भी होंगे, प्रभु उनसे कहेगा उस दिन न्याय के दिन मैं तुम्हें नहीं जाता, दूर हटो। दैट मीन्स योर वर्क्स विल नॉट सेव यू, आपके काम आपको नहीं बचाएंगे, क्या बचाएगा? आपका पर्सनल, आपका व्यक्तिगत रिश्ता मसीह के संग कैसा है, क्या आप और मैं वो क्रूसित जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। इसीलिए वो कहता है जब हम क्रूसित जीवन जी रहे हैं, इनकार का जीवन जी रहे हैं, जब हमारा मैं है ही नहीं, तो मुझसे कोई भी कैसे भी बात करे, मुझे क्या चिंता करनी है, मेरा सुधी लेने के लिए प्रभु खुद खड़ा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अपना बदला ना लेना, बदला लेना उसका काम है। तो मेरा काम क्या है, मेरा को क्या करने के लिए बोला है? अगर कोई तेरे को एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे करना, जो तेरे को सताते हैं उसके लिए प्रार्थना करो, जो तुझे श्राप देते हैं उनको आशीष दे। तेरा काम बदला लेने का नहीं है, तेरा काम है मेरा प्रेम प्रकट करने का। और कैसे संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो? जो प्रेम तुम प्रकट करोगे तब संसार जानेगा कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, जैसा मैंने आपको बताया, आजकल हम झंझनाता झांझ बन चुके हैं, आवाज बहुत है, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, लेकिन प्रेम नहीं है। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ क्रिश्चियनिटी, जैसा मैंने बोला, हम ईसाई बन गए। आई एम चैलेंजिंग यू, मैं आपको चुनौती देता हूँ, ईसाई मत बनिए, चेला बन जाइए। सरनेम कैसा भी हो मायने नहीं रखता, जीवन में मसीह है या नहीं ये मायने रखता है। हालेलुया। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। तीसरी चीज वो कहता है, वो फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, वो अपना तिरस्कार करे, अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे फॉलो मी। फॉलो का मतलब है अ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप, एन एक्टिव रिलेशनशिप विद जीसस, यानी वो आगे चल रहा है। आप कैसे किसी को फॉलो करते हैं? किसी को फॉलो कैसे करेंगे? आपको पीछे चलना पड़ेगा और वो आगे चलेगा। अभी क्या हो रहा है, आप आगे चल रहे हो और यीशु मसीह फॉलो करने की कोशिश, अरे भाई रुक जा, मुझे टेक ओवर लेने दे, मैं टेक ओवर करना चाहता हूं तेरी लाइफ के ऊपर, राइट। लाइक ऑन रोड्स, ट्रैफिक में आप क्या कोशिश करते हैं, मैं टेक ओवर कर लूं। यहां यीशु मसीह टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है और आप उससे कह रहे हैं यू फॉलो मी,
लेकिन यहां पर वो कहता है जब मैं और आप इनकार का जीवन जिएंगे, क्रूसित जीवन जिएंगे, क्रूस उठाकर का एक जीवन जिएंगे, तब वो आगे आगे चलेगा और हम पीछे हो लेंगे। जहां वो हमें ले जाएगा हम जाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है हरी चराइयों में वो हमें लेकर के जाएगा। वो ऐसा चरवाहा है, वो जानता है कि कहां वो जीवित जल हमें पीने के लिए मिलेगा और वो जानता है कहां से हमें बच के रहना है। मेरे प्रियो, हर खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है, स्पेशली टू ऑल द यंग पीपल हियर दिस मॉर्निंग। हर खुला दरवाजा मसीह की ओर से नहीं है, कई सारे दरवाजे शैतान भी खोलता है, और वो इसीलिए खोलता है क्योंकि वो जानता है कि ये दे दूंगा तो आई विल हैव कंट्रोल ओवर हिज लाइफ, मैं इसके जीवन पर नियंत्रित कर पाऊंगा। और वो शैतान वही दे सकता है जो उसके पास है, और उसके पास जैसा बाइबल में लिखा है इस संसार का राजा इस वक्त वो है, और इसीलिए वो संसार की सारी सुख अभिलाषाओं को, पैसों को आपको दे सकता है। आप नौकरी चाहते हैं, आई हैव टेस्टिमनीज पीपल जिनकी ये गवाहियां हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा को बेचा और पैसा उनके पास आया, फेम आया, लेकिन जीवन चला गया। समझ रहे हैं? सैटन कैन गिव दैट, लेकिन बाइबल में लिखा है ग्रेटर इज ही हु इज इनसाइड ऑफ यू देन द वन हु इज इन द वर्ल्ड। जो तुम्हारे भीतर है वो उससे कहीं बढ़कर है जो इस संसार में मौजूद है। हालेलुया। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, मैं शायद दे चुका हूं लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं। 5 अरबपति लोग अलग अलग जगहों से, उन्होंने एक सबमरीन हायर किया और वो टहलने के लिए निकल गए। अब सबमरीन के संग चैलेंज क्या होता है, कितने गहराई तक वो जा सकती है, एक प्रेशर पॉइंट होता है उसका, उसके अंदर एक गेज लगा रहता है, उस प्रेशर पॉइंट से नीचे जाएगी तो वो इम्प्लोड होती है, एक्सप्लोड नहीं होती। एक्सप्लोड का क्या मतलब होता है, एक्सप्लोजन का जो बाहर से फटता है, इम्प्लोड का मतलब क्या होता है जो अंदरूनी दबाव से फट जाए, अंदर को फट जाए। इम्प्लोड का मतलब अंदर को फट जाए। तो जब पानी के अंदर आप देखेंगे ना कोई बम, जब इम्प्लोशन होगा, इम्प्लोजन, तो वो अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। तो ये 5ों लोग निकल गए सैर सपाटा करने के लिए, अरबपति लोग सबमरीन लेकर, लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि जो गेज था उसका प्रेशर बढ़ता चला गया। 7 दिन बाद सब इनको ढूंढ रहे हैं और एक एक करके इनकी लाशें ऊपर आई। जब रिसर्च हुआ डॉक्टर्स ने और ये जो मैरीन डाइवर से लोग नीचे गए ने पता लगाया, तो चुनौती पता चला ये कि सबमरीन जितना झेल सकती थी उससे कहीं ज्यादा ये नीचे गए और प्रेशर के कारण वो इम्प्लोड हो गई, यानी अंदरूनी दबाव के कारण वो इम्प्लोड, अंदर की तरफ फट गई और ये वो नीचे डूब कर मर गए। इसका मतलब क्या है, जब अंदरून अंदर अगर दबाव यानी अंदर जो है जब वो कम होगा तो जो बाहर है, जो बाहर वो आपको दबा ले जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन जो अंदर है, जो बाहर है उससे बढ़कर है। ग्रेटर इज ही हुज इन यू देन द वर्ल्ड हु इज इन द वर्ल्ड। वो जो आपके भीतर है वो उससे बढ़कर है, यानी अगर आपके अंदर मसीह ज्यादा है तो बाहर से कितना भी दबाव या प्रेशर क्यों ना आ जाए कोई बात नहीं, मसीह चिंता करेगा। हालेलुया। लेकिन जब मसीह है ही नहीं, आप खोखले हैं, तो फट जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए वो कहता है हमें एक जीवित रिश्ते में चलने के लिए, वो कहता है फॉलो मी, वो आगे आगे चले और मैं उसके पीछे पीछे हो जाऊं। और जब मैं उसके पीछे पीछे हो जाऊंगा तो हमारे पीछे क्या आ रहा है पता है आपको, बाइबल में वो भी लिखा है, तेरी भलाई और करुणा हमारे साथ साथ है। राइट? आज के दिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, बिकॉज वी हैव दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, ये प्रभु मेज हमारे सामने रखी गई है और पास्टर सैम ही हमारा अगुवाई करेंगे इसमें, लेकिन मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर हम एक ऐसे कार्यशील जीवन को, एक ऐसे निरंतर मसीह जीवन को नहीं जी रहे हैं, इट इज गुड टू से नो राइट नाउ देन टू ड्रिंक द जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन योरसेल्फ्स। ये अच्छा होगा कि मैं इनकार कर दूं और इसमें सहभागिता ना करूं, और हम आपकी मदद करें उस एक अच्छे और कार्यशील मसीह जीवन को जीने के लिए, प्रार्थना के संग आपके संग जुड़ जाएं, कि बजाय आप एक रीति रिवाज के रूप में इसको ले लें अपनी, जैसे मैंने कहा मसीह ईसाई जीवन को रिन्यू करने के लिए। डोंट डू दैट, दिस इज नॉट अ रिन्यूअल ऑफ योर ईसाई जीवन, ये ईसाई जीवन को रिन्यू करने के लिए नहीं है, इट इज अ रिमेंबरेंस ऑफ व्हाट क्राइस्ट हैज डन ऑन द क्रॉस। ये हम उस बात को याद करते हैं जो मसीह ने आज से 2000 साल पहले उस क्रूस पर कर दिया मेरे, मुझे और आपको चेला बनने के लिए वो बुलाता है। द कॉल इज फॉर कमिटमेंट, ही नीड कमिटेड पीपल, उसको चाहिए समर्पित लोगों की आवश्यकता चाहिए, उसको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नाम से मसीह हो, नामधारी, लेकिन काम से पता चल जाता है वो कैसे हैं।
मेरे प्रियो, मेरा प्रार्थना है आज की सुबह, मैं आपको चुनौती देता हूँ इस वचन के द्वारा कि उसने हमें ईसाई बनने के लिए नहीं, हमें चेला बनने के लिए बुलाया। हालेलुया। और चेला बनने का मतलब है आप अपने आप का इनकार करें, डिनाई करें अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, अपना क्रूस उठा करके चले, क्रूसित जीवन बिताएं। जैसा पौलुस कहता है कि अब शरीर का खतना नहीं लेकिन हृदयों का खतना होना जरूरी है मसीह में, आत्मा का खतना होना जरूरी है मेरे प्रिय। और तीसरी चीज वो कहता है जब ये हो जाएगा, when the denial happens, taking up the cross happens, उसके बाद ही तुम मेरे पीछे चल सकते हो, उससे पहले नहीं चल सकते। यानी अंतिम परिणाम क्या होगा हमारे इनकार के जीवन का, क्रूसित जीवन का, हम उसके पीछे पीछे हो लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, जब मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे तो स्वामी के पीछे ही चलना है। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और एक प्रार्थना को हम लोग करेंगे, क्योंकि आज की सुबह हम लोग मेज के नजदीक है। मैं चाहता हूं हम लोग अपने जीवनों को जांचें और परखें आज की सुबह। आइए आंखों को बंद करें, हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और प्रार्थना करें, कुछ समय लेकर अपने जीवनों को जांचें और परखें कि क्या प्रभु मैं सच में वो चेले के जीवन को, एक निरंतर मसीह जीवन को बिता रहा हूं कि नहीं बिता रहा हूं। क्या सच में मेरा बोलना, मेरे चलने में तू प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्रभु? मेरे भाषा शैली में, मेरे जीवन शैली में क्या आप प्रकट हो रहे हैं प्रभु या नहीं प्रभु? हम जांचें और परखें मेरे प्रियो, क्योंकि हम ईसाई नहीं, चेला बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। सो प्रभु आज की सुबह मैं धन्यवाद करता हूँ हम सब के लिए, आपके वचन ने हमसे बात किया है प्रभु, मुझसे बात किया है प्रभु, और यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति से बात किया है। मेरा प्रार्थना है प्रभु आप अपने लोगों से इस वक्त बात करो। मैं चाहता हूँ जैसा मैंने बताया जो मेरा शीर्षक था, अ कॉल टू कमिटमेंट, एक बुलाहट समर्पण के प्रति, क्यों नहीं हम अपने जीवनों को आज की सुबह समर्पित करें प्रभु को, अपने व्यक्तिगत जीवनों को, अपने पारिवारिक जीवनों को, अपने व्यवसायिक जीवन को, प्रोफेशनल लाइफ को भी हमको कमिट करना जरूरी है। हमें लगता है सिर्फ घर में मसीह होना चाहिए, नहीं, आपके कार्यस्थलों में भी मसीह को प्रकट होना जरूरी है। हालेलुया। उस बाजार में जहां आप बातचीत करते हैं, जहां आप सामान लेने जाते हैं, मसीह का दिखना जरूरी है। आपके घरों में जो मेड्स आती हैं, जो काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके हेल्पर्स, उनके संग आपके रवैये में मसीह का प्रकट होना जरूरी है। हम लोग प्रार्थना करें, उन जीवनों को समर्पित करें प्रभु आज की सुबह। हमें अपने व्यवसायिक जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को और जीवन के हर एक हिस्से, हर एक पहलू को आपको समर्पित करता और करते हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें याद दिलाया अपने वचन से कि आपका बुलाहट हम सब के लिए चेला बनने के लिए है प्रभु, और ये उन्हीं के लिए है प्रभु जो चुनेंगे वो आपके चेले बने, अपना इनकार कर अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे हो जाएं प्रभु। इसलिए आज की सुबह मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में से, प्रभु हमारी शक्ति और सामर्थ और बल में ये असंभव है, और इसीलिए तो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है। इसलिए प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम में से हर एक का सहायता करो ताकि हम एक समर्पित जीवनों को जीने पाए, हम एक चेलेपन के जीवन को जीने पाए, कुछ भी त्यागने को, कुछ भी इनकार करने को, कुछ भी बलिदान करने को तैयार रहें ताकि हम आपके पीछे पीछे हो लें। प्रभु हमारे जीवनों पर अपना नियंत्रण लीजिए, उन्हें दे आज की सुबह आप हमारे दिल, आप हमारे जीवन और आप हमारे परिवार के राजा और स्वामी बन जाएं, ताकि आप चलाएं और हम पीछे पीछे चलते चले जाएं। आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमेन।